सोल डीएनए क्या है? हम सभी डीएनए के बारे में सुनते हैं, तो वो ब्लड डीएनए होता है, बट आज हम सोल डीएनए के बारे में जानेंगे। शिव शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ वर्षा और आप सभी को मेरा प्रणाम। सोल डीएनए हम सभी का होता है। सोल डीएनए में ही हमारे पास्ट लाइफ के एनर्जी स्टक रहती है। सोल डीएनए का जितना पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, उतना ही प्रेजेंट लाइफ से भी है, वो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव। सोल डीएनए से हम अपने पास्ट लाइफ को जान सकते हैं। हम जो कुछ पसंद या नापसंद करते हैं, या हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो सबसे अलग होता है। कुछ लोग अपनी फैमिली में सबसे अलग होते हैं। हमारे व्यवहार, संस्कार जो भी है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों में भी पसंद या नापसंद, ये सभी कुछ सोल डीएनए के रीजन से होता है। हम सबके पसंद, व्यवहार, समझ, संस्कार, सोचने समझने की क्षमता, विचार, ये सभी कुछ अलग अलग होते हैं। ये सभी कुछ हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी सीखना होता है, बट ये हम अपने पास्ट लाइफ से भी अपने सोल में कैरी करके लाते हैं। इसे ही सोल डीएनए कहा जाता है। ये एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। एज दैट एक बहुत अच्छे फैमिली या पर्सन जिसके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, और उनके अगर दो बच्चे हैं तो वो दोनों को एक ही शिक्षा देते हैं, एक जैसे परवरिश करते हैं, बट उनके दोनों बच्चे अलग अलग संस्कारों के और व्यवहारों के, विचारों के होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वो अपने पास्ट लाइफ में उनके जिस तरीके से परवरिश हुई है, अच्छे तरीके से या गलत तरीके से, वैसी एनर्जी को वो अपने सोल में कैरी करके इस लाइफ में ले आते हैं। तो वो एनर्जी जब तक रिलीज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। बहुत से लोगों में फियर होता है आग से, पानी से, हाइट से, और बहुत से लोग निडर होते हैं बिल्कुल, उन्हें किसी भी चीज से भय नहीं लगता है। अगर किसी के साथ उसके पास्ट लाइफ में कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, आग से, पानी से, या हाइट से, या भीड़ से, तो उन्हें इससे फियर होता है। या प्रेजेंट लाइफ में भी ऐसा होता है। अगर आप कभी हाइट से गिरे हो प्रेजेंट लाइफ में या पास्ट लाइफ में, तो वो फियर की एनर्जी जो है तुरंत सोल डीएनए में जाके मर्च हो जाती है। अगर किसी को भीड़ में जाने से सफोकेशन होता है, तो लोग इसे फोबिया समझते हैं। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जितना भी वर्थ होता है हमारा, हर लाइफ का अलग अलग एक्सपीरियंस, निगेटिविटी, पेन, ट्रॉमा, ये एक एनर्जी है, और ये हमारे हर लाइफ में, हमारे सोल में हमारे साथ ही आती है, और ये सोल को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, जिससे सोल का जो रियल फॉर्म है, उसकी जो पावर है, वो वीक होने लगता है। ये एनर्जी, निगेटिव जंक डीएनए, हमारे सोल को उसके रियल फॉर्म में नहीं आने देते हैं। इनको हमें ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में रिलीज करना होता है। सोल डीएनए को लोग बहुत तरीके से हील करते हैं। सोल डीएनए जब एक्टिवेट होता है, तभी जाकर इसमें जो निगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होता है। मैं अपने डीएनए को हील करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं की हूँ। डेली बेसिस पे जो इनर वर्क करती रही हूँ, उसी से मेरे जो जंक डीएनए थे वो रिलीज हुए। सोल डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए म्यूजिक बहुत इफेक्टिव होता है। म्यूजिक में बहुत पावर होता है। हीलिंग म्यूजिक बहुत ज्यादा हेल्प करता है सोल डीएनए को एक्टिवेट करने में। जब आप अपना डीएनए हील करने लगते हैं, तो जो आपका ब्लड डीएनए है वो भी हील होता है। आपके पेरेंट्स में आप बहुत चेंजेस देख सकते हैं, अपनी फैमिली में चेंजेस देख सकते हैं। एक पर्सन जब अपनी हीलिंग करता है, जब वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है, मेडिटेशन करता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, उसके टेस्ट चेंज होने लगते हैं। वो इनर वर्क करता है, वो इंटरनली इतने पावरफुल फील करने लगते हैं, बिकॉज उनके सोल की पावर बढ़ने लगता है। सोचने समझने में, विचारों में बहुत परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन केवल उस पर्सन तक ही नहीं रहता, उसके फैमिली, आसपास रहने वालों पर भी इसका इफेक्ट होता है। मैं स्वयं इसका प्रमाण हूँ। मैं अपनी वीडियो में कोई सुनी हुई बात या कहीं से पढ़कर नहीं बताती।
मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं, जो करती हूँ और मुझे जो इफेक्टिव लगता है, मैं वही बताती हूँ, बिकॉज मैं अदर पर्सन से ज्यादा अपने अनुभवों पर बिलीव करती हूँ। अगर कोई आपसे कहे या मैं ही कहूँ कि आप ये चीजें ट्राई करो, आपको बेनिफिट होगा और आप वो खुद करके अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, तो दोनों में अंतर होता है। बिकॉज आप वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।